हे एवरीवन, गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। और पिछले 2-3 ब्लॉग्स मैंने आप लोगों के साथ शेयर करे तो आप लोग मुझे कमेंट्स कर रहे हो कि कहाँ पर शिफ्ट होने की प्लानिंग चल रही है आप लोगों की। तो हमारी प्लानिंग कहाँ की चल रही है आज इस ब्लॉग में मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी, तो ब्लॉग में अंत तक बने रहना। एवरीवन, तो हमारी सांभर की एकदम तैयारी हो चुकी है, आप लोग देख सकते हो ये सारी चीज़ें। और आज मैं सांभर थोड़ा अलग टाइप से बना रही हूँ, जो जैसे मैं पिछली बार बनाती थी ना, पिछले बहुत सारे ब्लॉग में भी शेयर किया, लेकिन अभी तो मैं बहुत टाइम बाद बना रही हूँ सांभर। तो ये मैंने आज दाल ना थोड़ी पीस ली, 20 मिनट मैंने इसको भिंगो के रखा था, उसके बाद मैंने इसको दरदरा पीस लिया है। और अभी ये हमारा सांभर मसाला है, चलिए झटपट से हम बना लेते हैं। और ये हमने इसमें ऑयल रख दिया है, ये एकदम अच्छे से निकल आएगा तभी हम सांभर बनाएंगे। और ये है हमारी इमली, जो कि मैंने गर्म पानी में ऐसे रख दी थी, तो ये भी हो जाएगी। इसको हमें लास्ट में डालना है। आप लोग में से बहुत सारे लोग बना लेते होंगे, ये तो नॉर्मल कॉमन चीज़ है। तो चलिए अब हम बना लेते हैं। लक्ष्य का भी आने का समय हो रहा है और लड्डू बहुत रो रहा है 3-4 दिन से, तो अभी भी लड्डू सो रहा है, सोते सोते रो रहा था, तो अभी बीच बीच में मुझे जाना पड़ रहा है। तो चलिए, ये सरसों का तेल है, सरसों के तेल में सारी चीज़ें बनाना मुझे काफ़ी अच्छा लगता है और एकदम सही भी रहता है इसलिए। तो चलिए, एकदम वाइट हो जाएगा, थोड़ा सा वाइट हो जाएगा, एकदम वाइट तो नहीं, तब मैं इसमें सारी चीज़ें ऐड कर दूंगी। एवरीवन, लड्डू के शायद दांत निकल रहे हैं बहुत ज़्यादा, इसको स्वेलिंग हो रखी है, जो बत्ती होती है ना उसको, जहाँ से दांत निकलते हैं उसमें। और ये कल से बिल्कुल भी दूध नहीं पी रहा है, तो अभी मैं इसको थोड़ा सा डोसा खिला रही थी, प्लेन वाला, थोड़ा सा तो थोड़ा थोड़ा खा रहा है, साथ में पानी भी पिला रही हूँ गुनगुना। खा लो खा लो खा लो, अच्छा है ना? अच्छा है क्या? शक्ल बन गई इसकी, आंखों से इतने आंसू आ रहे हैं बहुत ज़्यादा, और मुझे लग रहा है कि ये पेन में है, क्योंकि जब हमारी भी अकल दाढ़ निकलती है तो छोटे में तो हमें मालूम नहीं रहता, लेकिन अकल दाढ़ निकली थी उस टाइम पे इतना दर्द हुआ था बहुत ज़्यादा, तो इनको भी कुछ तो प्रॉब्लम होती होगी बच्चों को। खाओ 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 खाओ, अंदर तो लेके जाओ, खाओ। देखो ये क्या हो रखा है इसके, देखो नीचे वाली भी, खाओ खाओ खा लो। चलो मैं इसको खिला दूं दोस्तों। पागल भैया का पागल पागल भैया, मैं जाऊं नहाने के लिए, मैं जाऊं, पिटाई लगा रहे भैया की, भैया की पिटाई, भैया की पिटाई। तेरा की नो वो 8:30 के बाद तू कहाँ चला जाता है? क्यों क्यों पिटाई लगा रहा है लड्डू? क्यों पिटाई लगा रहा है भैया की? गंदा बच्चा। करते रहो तुम, करते रहो शैतानी, करते रहो दोनों, पहले एक मेरे सर में दर्द करता था, अभी दो दो करने लगे। लट्टू लट्टू लट्टू, पिटाई लगाएगा भैया की? हाँ
देखो ये क्या हालत कर रहा है इसको भैया, इससे मैं बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी हूँ। और यहाँ पे कालीन को बार बार वो कर रहा था वॉकर से, इसलिए मैंने कालीन को यहाँ पे लगा दिया बेड के यहाँ पे पास में साइड। और यहाँ पर भी आया था ये, क्योंकि मैंने इसको उठा के कालीन को लगाया ना, उसके बाद फिर मैंने झाड़ू भी लगा दिया क्योंकि थोड़ा सा धूल जैसी हो रखी थी। क्यों ये क्या शैतानी है लड्डू यार, मम्मा को बहुत क्या है ये, क्या है आप? पापा मम्मी तो बोलते नहीं हो, क्या ये क्या है? ओ अरे यार लॉक नहीं लगा इसका, अब खोलना कैसे खोलेगा। ठीक है लड्डू, लड्डू चलो आ जाओ। लक्ष्य भी आ रहा है, उससे पहले इसकी हालत देखो। अरे कहाँ घूम रहे हैं लड्डू, कहाँ घूम रहे हैं? इधर आओ, इधर इधर आओ, जल्दी से आओ। A few moments later. अरे भाई साहब, नीचे ना चले जा, ये यहाँ क्यों छोड़ दिया? तेरे इंतजार करते करते इतनी खुशी, चलो अंदर आ जाओ। कब से कर रहे हैं? 5 मिनट हो गए। कौन है? चलो चलो अंदर। इतनी खुशी, इतनी खुशी, इतनी खुशी, कौन आ गया, कौन आ गया? इतनी खुश हो, कितना खुश हो रहा है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, सुबह होते ही मिल गई है गुड न्यूज। एक्चुअली इसमें कुछ आया हुआ है, इन्होंने मुझे गिफ्ट किया हुआ है, सरप्राइज गिफ्ट बिल्कुल भी नहीं है, पसंद मैंने ही किया है, पैसे इन्होंने दिए हैं। ये मना कर रहे थे बट फाइनली इन्होंने मुझे दिलवा दिया है। मैं इनसे बोल रही थी दिलवा दो ना, आपको पता है आदमियों की आदत, पहले मना करते हैं फिर बाद में दिलवा देते हैं, और ये हमेशा इनकी आदत है, कभी भी ये ऐसा नहीं करते कि कुछ भी ना दिलवाएं, हमेशा कुछ ना कुछ दिलवाते रहते हैं। मैं बोलती हूँ तो इसमें क्या है वो अभी मैं शेयर नहीं कर रही हूँ, जब पहनूंगी तब आप लोग के साथ किसी ब्लॉग में शेयर करूंगी, आप लोग तब तक गैस कर सकते हो इसमें क्या है। 3 hours later लड्डू लड्डू बेटा। तो लड्डू का खाना हो चुका है रेडी, इसमें है मटर और बीन्स जिनको मैंने भाप पे अच्छे से पकाया, उसके बाद मैंने इसको ब्लेंड कर लिया है। ये मार्केट गए हुए थे, फ्रूट्स वगैरह ख़त्म हो गए थे उनको लेने के लिए, साथ में ही मैंने ब्लेंडर मंगाया हुआ था बट ये कुछ और ही लेके आ गए हैं। मेरा इतना मूड ऑफ हो गया यहाँ पर, बहुत ही ज़्यादा पैसे फालतू चले गए। A few moments later. तो पनीर टिक्का बना हुआ है घर पे, ये बना रहे हैं किचन में और यहाँ पे लक्ष्य खा रहा है। और ये देखो लड्डू को, लड्डू खाने के लिए बोल रहा है कि मुझे भी खिलाओ, बट इसको नहीं खिला सकते क्योंकि उसमें चटनी भी मिक्स है, थोड़ा गरम मसाला भी मिक्स है, इसलिए बेचारा देखो चला गया। तो इसको थोड़ी देर बाद मैं पनीर खिलाऊंगी। पनीर खाना है बेटा, लड्डू मेरा बच्चा, कोई नहीं खिलाता ऐसी चीजें लड्डू को, कोई नहीं खिला रहा। वो आ गया वापस आ गया खाने के लिए, आ गया वापस मेरा बच्चा। देखो खाने के लिए कैसे कर रहा है, देखो कैसे कर रहा है। ओ ओ पिटाई भैया की, भैया दे दो। नहीं दे रहा भैया, भैया खाने को नहीं दे रहा मेरे बच्चे को लड्डू। नहीं नहीं बेटा नहीं। तो हमारे लड्डू को खाना है पनीर टिक्का, बट उसमें थोड़ी सी मिर्ची थी तो मैं नहीं खिला सकती, इसलिए मैंने उसके लिए थोड़ी सी पनीर ले ली है यहाँ पर, उसको थोड़ा ही खिलाऊंगी, इतना तो नहीं खाएगा वो। और यहाँ पर ये डेली की डेली कालीन को इकट्ठा कर देता है, जब बच्चे खाने लायक हो जाते हैं ना तो हर चीज़ की जिद करते हैं कि हमें सब चीज़ें खानी है, जानती है तो है नहीं कुछ। लड्डू के नाटक से स्टार्ट हो गए हैं, अभी रात के टाइम मैं इसको फुल पहना देती हूँ, तो अभी मैंने इसको टी शर्ट और कैप लगा दिया कपड़े वाले। लड्डू की शैतानी, हे भगवान लड्डू, लड्डू इतना शैतान हो गया क्या ही बताऊं, पलट जाता है इधर से उधर, वहां इतनी दूर। और टीवी में इसका वीडियो चलता है ना, सुन रहे हो, ऐसे देखता है इतना खुश होता है, और फिर उसमें बैठेगा ना वॉकर में बैठा होता है उस टाइम पे, तो वॉकर को ऐसा भगाएगा वहां तक भगा के ले जाएगा। अभी रात का 1 बज रहा है लेकिन ये अभी तक नहीं सोया है बेटा।
लड्डू 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 ए लड्डू आराम से उल्टी कर देगा वो ऐसा भी है। हाँ, थोड़ी सी दूध पिया है ना इसने थोड़ा सा ये कहते थे खिलाने लायक कब होगा ये खिलाने लायक कब होगा ऐसा कब होगा वैसा हो गया तो ये खिलाते नहीं है बोल बोल के वो करना पड़ता है पायल अरे पायल से लगना जाए यार तुम्हारे चेहरे में अरे यार निशान पड़ सकते हैं पता है तुम्हें ओ ओ ओ गंदी आदत नहीं हट उसकी उसकी आंख चुप गई एक क्या है वहाँ क्या है बदतमीज लड़का क्या है वहाँ लड्डू तो लड्डू की मस्ती चालू है अपने पापा के साथ। उसके बाद मैं आ गई हूँ किचन में। डिनर में आज बनाई है मैंने पनीर की सब्जी और यहाँ पे लड्डू का खाना तैयार हो चुका है। थोड़ा ठंडा हो रहा है तब तक मैं लगा लेती हूँ आटा। और हाँ, आज मैं आपको बता देती हूँ कि हम लोग कहाँ शिफ्ट होने वाले हैं, कहाँ की प्लानिंग चल रही है। तो हाँ, हम लोग ग्वालियर शिफ्ट होने वाले हैं। बहुत सारे लोगों ने सही गैस किया था क्योंकि ग्वालियर ना हमारे घर के बिल्कुल नज़दीक में है। इसलिए लड्डू के फिर से आ गए हैं डायपर। अब तक लड्डू मीडियम साइज डायपर पहन रहा था, अभी लड्डू अभी लड्डू लार्ज साइज डायपर मंगाए हुए लड्डू के। एक्चुअली ये ऑफलाइन स्टोर पे लेने गए थे बट वहाँ पे थे नहीं, इसलिए फिर हमने ऑनलाइन ही मंगा लिया। और ऑनलाइन में थोड़ा ऑफर भी मिल गया क्योंकि क्लब मेंबरशिप हमने ले रखी है। और ये रहा हमारा लड्डू जो कि सो के उठा है। ये लड्डू के पापा जो कि कुछ आधार कार्ड का काम कर रहे हैं, अभी सो के उठे हैं इसलिए ऐसी शकल है। और देखो लड्डू को रिमोट से खेल रहा है। इसका दूध गर्म हो चुका है, मैं इसको दूध पिलाती हूँ। मैं नहा के आ चुकी हूँ और आज हमने करे थे बहुत सारे कपड़े वॉश। तो लड्डू के लिए अब की बार हमने मंगाए हुए हैं मैनी पोको पैंट। जिससे पहले बेबी हग ब्रांड के वो डायपर यूज करता था, उससे पहले हिमालया, बट बेबी हग में कुछ प्रॉब्लम आ रही थी इसलिए हमने मैनी पोको पैंट्स मंगा लिए अब की बार। तो हमारे लड्डू को कोल्ड ड्रिंक तो मिली नहीं, रात का समय हो रहा है ये सो नहीं रहा, लेकिन बेचारा कोल्ड ड्रिंक की खाली बोतल को पीने की कोशिश। अब इसमें इन्होंने ढक्कन भी लगा दिया है, कैसे नहीं ढक्कन बकवास नहीं तो तुमने बोला ना डिकिन। यार हो जाता है कभी कभी डिकिन इज नथिंग। और डिकिन डिकिन देखो देखो ये क्या कर रहा है। मैं सो जाऊं ये ऐसी करता है। सैंडल तो निकाली नहीं, सैंडल तो निकाली नहीं इसकी। लड्डू गंदी बात तेरे को रोएगा। लो लो तो हमारा लड्डू नहा धो के हो गया है रेडी। काजल मैंने इसको नहीं लगाया क्योंकि अभी ये सोएगा, सुबह से सोया नहीं है। और खाना पीना उसका हो चुका है। सुबह मैंने गाजर खिलाई थी और उसके बाद मैंने इसको पपीता खिला दिया। अब ये सो जाएगा, उसके बाद इसको दूध पिलाऊंगी। पहले सो तो जाए, ये पता नहीं कब तक सोएगा। देखो मैंने इसको दवाई दे दी थी तो उसको कैसे चबा रहा है देखो निप्पल समझ के। तो चलिए पहले इसके कपड़े हैं उनको मैं सुखाने के लिए डाल दूँ, फिर उसको सुलाती हूँ। फिर लक्ष्य के स्कूल से आने का टाइम हो जाएगा, है ना लड्डू? सो जाओ बेटा, सो जाओ। तो लड्डू नहाने के तुरंत बाद ना सोने के लिए रोता है, तो अभी रो रहा था तो अभी मैं उसको सुला रही हूँ। काजल मैंने उसको अभी नहीं लगाया, अभी सो जाएगा ना तब लगाऊंगी, क्योंकि एकदम आंखें खराब कर लेता है हाथ से। और इसकी आंखों में काजल टिकता भी नहीं है, पता नहीं क्यों। पतिदेव भी ऑफिस जा चुके हैं, लक्ष्य स्कूल जा चुका है, लेकिन उसका आने का ही समय हो रहा है, आता ही होगा अभी थोड़ी देर में। और जैसे ही लक्ष्य आ जाएगा तो लड्डू तुरंत जाग जाएगा, क्योंकि वो शोर मचाता है तो ये जाग जाता है उसकी आवाज़ सुनते ही। आपस में दोनों भाई इतना प्यार करते हैं ना कि क्या ही बताऊं। लड्डू तो रह ही नहीं सकता, लक्ष्य को देखते ही उसके फेस पे स्माइल आ जाती है। और लड्डू के साथ दिन कब निकल जाता है पता भी नहीं चलता। सच बताऊं लड्डू के आने से लाइफ इतनी चेंज हो जाएगी मैंने सोचा नहीं था। और लड्डू के आने से हमारी लाइफ में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हो रही हैं। माता रानी की कृपा है, उनका आशीर्वाद है, तो बहुत अच्छा है यार। लड्डू के आने से सब कुछ बदल गया और ग्वालियर शिफ्ट होने की हमारी प्लानिंग चल रही है। तो मैं थोड़ी असमंजस में हूँ, कैसे क्या होगा पता नहीं, क्योंकि यहाँ पे हमें बहुत साल हो चुके हैं और मेरा एकदम ऐसा होता है ना, इस शहर को छोड़ के जाने का दिल ही नहीं करता कभी भी, क्योंकि ये है ही इतना अच्छा। और ग्वालियर में मैं कभी रही नहीं हूँ तो मुझे नहीं पता है कि पता नहीं कैसा मेरा क्या मन लगेगा वहाँ पर, कैसा होगा क्या होगा। जब आप एक शहर में रहते हो फिर उसे छोड़ के जाते हो तो बहुत अजीब सा फील होता है, आप लोग समझ ही रहे होंगे मेरी फीलिंग्स। और इन्होंने कॉलेजिंग वगैरह सब कुछ
कुछ ग्वालियर से किया है तो ये बहुत सालों तक रहे हैं वहाँ पर, लेकिन मैं नहीं रही हूँ तो मुझे थोड़ा सा अंदर से अजीब सा फील हो रहा है। कभी लगता है जाऊँ, कभी लगता है ना जाऊँ। अब देखते हैं, जो कुछ भी होगा वो आप लोग साथ शेयर करेंगे ही हम लोग। और बहुत सारे लोगों ने सही भी गैस किया था, यहाँ पर हमारा फिल्टर ख़राब हो गया था ना, तो भैया आई हुई हैं यहाँ पर उसको सही करने के लिए, और अभी उन्होंने सही कर दिया है, अभी वो जा रहे हैं। इसको सही होने में 8 दिन लग गए, 8 दिन पहले ये पैसे लेके गए थे, कुछ सही करके गए थे, अब फिर से आए हैं।